सो हे गाइस, आपका वेलकम है हमारे आर्यन वर्मा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की वीडियो अरे में, भाई, यो के टांगर खेस अरे भाई, आज यही तो बनाने वाले हैं, हेडसेट माइक्रोफोन। हाँ जी गाइस, तो मैंने इसको गूगल भी किया है, गूगल पर सर्च किया है, इसका यही नाम है। तो आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं, इसी को बनाने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको कोई भी हैंडमेड और ये घर पे इस तरह से कुछ बनाना सिखाया है। तो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, आपको एक रोड ले लेनी है लोहे की या तांबे की। मैंने तांबे की रोड ले ली है, और जो आसानी से बैंड हो जाए, और आपको अपने सिर के हिसाब से इसको बैंड कर लेना है। तो मैं इसको अपने हिसाब के सर से हिसाब से बैंड कर लिया हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से इसको बैंड कर लेना आपको। एंड अभी आपको क्या करना है कि आपको एक कोई भी चार्जर की पुरानी वायर ले लेनी है, जिसके अंदर से आप ये जो जो वायर लिखी है आपको, इसको आप निकाल दो खींच के प्लायर की मदद से। बट उससे पहले इस सिरे को आपको काट देना है। तो मैं इसको कटर की मदद से काट देता हूँ। एंड अभी आपको काट देना इसके इनके जो वायर है उनको बाहर निकाल देना आपको। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी निकाल दिया है। एंड अभी आपको क्या करना है कि वो जो वायर थी वो बहुत ज़्यादा छोटी वायर थी, उसके अंदर ये वायर आ नहीं रही थी। तो मैंने ये वाटरप्रूफ ब्लैक कलर की टेप का उपयोग कर लिया है। मेरे पास वो दूसरी टेप नहीं थी, इसलिए मैंने इस टेप का उपयोग कर लिया है। आप ऐसा मत समझिए कि जैसा बिल्कुल मुझे करना है बिल्कुल आप वैसा ही करो। आप इस तरह की टेप भी ले सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपको उससे पहले आपको कोई भी घर पे पड़े हुए खराब ईयरफोन ले लेने हैं। ऑब्वियसली किसी के हर घर पे ये मिल जाते हैं, यदि नहीं मिलते हैं तो आपको अड़ोस पड़ोस से ले लेना है। एंड इसके जो ईयरफोन का ही जो है डब्बा सा, इसको आपको खोल लेना है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद में इसमें से जो माइक निकलता है उस माइक को ले लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे यह माइक है छोटा सा, इस माइक को निकाल लेना है। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है। एंड आपको स्क्रीन पे भी सिंग यहाँ पे आपको दिखा दे रहा होगा प्लस और माइनस का चिन्ह। एंड आपको ये देख लेना है। एंड इसके बाद में ये जो टेप है इसको आपको इसके ऊपर लगा लेना है। यदि आपके पास ऐसी टेप नहीं है तो आप जो सिंपल टेप होती है घर पे उसको उपयोग भी कर सकते हो, ब्लैक कलर की टेप का। मेरे पास ब्लैक कलर की टेप नहीं थी तो मैंने इसका उपयोग कर लिया है। इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओबियसली इसमें मैंने पूरे घर वालों का ही, घर के जो भी सामान है उसी का उपयोग किया है। तो मैं इसको फटाफट लपेट लेता हूँ। सो गाइस, मैंने अब इसके ऊपर लपेट दिया है। एंड इसके बाद में आपको इस तरह की कोई भी जूस पीने वाली पाइप ले लेनी है। ओबियसली आपको 1-2 रुपये में कोई भी शॉप में मिल जाएगी या रेस्टोरेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आपको इसके ऊपर लगा लेना है, क्योंकि जिसके अंदर आपको वायर भी डालनी है। एंड आपको इस तरह की एक वायर ले लेनी है, जो कोई भी पता है आपके घर पे वायर पड़ी हो। तो मैं इस तरह की वायर ले लेता हूँ। और ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, इसके ऊपर माइक के ऊपर आपको दिए हुए हैं सिग्नल और राइट। मैंने इसको कोई भी, आप कोई भी शॉप से इस पर लोगो लगवा सकते हो उससे। तो मैंने कोई भी शॉप से लगवा के ले आया हूँ, और यदि आप घर पे भी लगा सकते हो। एंड अभी क्या करना है आपको, ये जो कोई ख़राब ईयरफोन हो उसका जैक भी निकाल लेना है काट के। एंड इसके बाद में इसका जो ऊपर का कवर है उसको उतार देना है आपको। एंड आपको इस तरह की जो वॉइस आपको अभी सुनाई दे रही है, ये वॉइस इसी माइक से यूज की हुई है। एंड मैं इसको उतार लेता हूँ। जब तक मैं इसको उतारता हूँ तो आप नीचे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर का सिरा होता है वो होता है प्लस, और नीचे का जो सिरा होता है वो होता है माइनस। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे शोल्डिंग करवा लेनी है प्लस माइनस, या आप खुद कर सकते हो। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी भी शोल्डिंग की शॉप से शोल्डिंग करवा सकते हो इसके ऊपर। और जो पहले की वायर है उसको निकाल देना है,
और आपको इसको इस तरह से लगा लेना है। एंड अभी इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए इसका पैन का पीछे का उतार लिया है। एंड इसके बीच में पीछे आपको छेद भी कर लेना है एक, तो मैं इसके पीछे छेद कर लेता हूँ। एंड अभी जो वायर थी आपको पहले इसके अंदर डाल लेनी है, आपको इस पाइप के अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने इस पाइप के अंदर वो वायर डाल ली है और आपको एक चार्जर की वायर ले लेनी है या किसी भी कोई पतली वायर आपको ले लेनी है जो थोड़ी लंबी हो। एंड इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। एंड जो लंबी वायर है उसको काट दूंगा मैं। एंड अभी आप देख सकते हो ये जो वायर है इस तरह क्या कोई वायर ले लेनी है पतली। एंड इसके माइनस प्लस वाली ब्लैक और वाइट, ब्लैक और रेड वायर होनी चाहिए इसके अंदर, तो आगे से छीन लेना है। एंड यहाँ पे आपको जैक को शोल्डिंग करवा के ले आना है किसी भी शॉप से, तो मैं यहाँ से शोल्डिंग करवा के ले आता हूँ। उससे पहले आपको फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से ये लगा लेना है। एंड इसके आगे जैक को लगवा लेना है, तो मैं यहाँ से जैक को लगवा के ले आया हूँ कोई भी शॉप से। तो मैं इसको लगवाने के बाद में इस तरह से दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर सभी घर के जो घरेलू आपके आराम से मिलने वाली वस्तु है उसी का उपयोग करके इस माइक को बनाना सिखाया है। एंड अभी जो सिरा है इनको माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस, मतलब रेड वायर के साथ रेड वायर और ब्लैक के साथ ब्लैक। तो उससे पहले आपको इस तरह कैप लेना है कोई भी पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक का। एंड जो ये जो बेकार हिस्सा इसको मैं काट देता हूँ। आप किसी भी का कोई भी कैप ले सकते हैं इस तरह से। तो इसके जो साइड के कॉर्नर है दो साइड से मैं इसको काट लूँगा, तो मैं इसको फास्ट फास्ट काट लेता हूँ। एंड अभी यहाँ पे आपको एक छेद कर लेना है वायर डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे छेद कर लिया है और इसके अंदर आपको वायर को डाल देना है। तो मैं इसके अंदर वायर को डाल देता हूँ। एंड डालने के बाद में आपको गांठ दे देनी है जिससे कि वायर बिल्कुल सिक्योर रहे एंड थोड़ी वायर टूटे ना। एंड इसके बाद में आपको इसको अच्छे से जो एडजस्टमेंट कर लेनी है, तो मैं इसके अंदर इस तरह से डाल लेता हूँ। एंड इसके ऊपर आप ग्लू गन भी लगा सकते हो, बट मैंने इसके ऊपर ग्लू गन नहीं लगाई है क्योंकि आपको बिल्कुल घर के अंदर जो भी आपका सामान हो उसी तरह आपको बताना हूँ। और इसके बाद में आपको जॉइंट कर देना वायर का ब्लैक के साथ ब्लैक और वाइट, सॉरी रेड के साथ रेड। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ उसके ऊपर। एंड इसके ऊपर आप हीट सिंक भी लगा सकते हो, बट मैंने आपको बोला है कि जो आपके घर पे सामान हो उसी से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर टेप का यूज़ किया है, तो मैं इसके ऊपर टेपिंग कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सेट कर देना है कैप के अंदर। एंड इसके ऊपर आप फेविक्विक भी लगा सकते हो, बट मेरे पास फेविक्विक नहीं थी एंड ग्लू गन मैं लगाई नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर टेप ही कर दी। और जो आपने ये जो टेप लगाई है इसको उसके ऊपर से आगे तक लगा दे कर देना है। आप अपने तरीके से घर के ऊपर जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसके अंदर फिनिशिंग दे सकते हो और अच्छे से इसके ऊपर कर सकते हो। Thank you.
तो अभी मैं इसके ऊपर टेप कर देता हूँ थोड़ी सी आगे की तरफ। एंड थोड़ी टेप इसके ऊपर भी लगाता हूँ कैप के ऊपर। एंड इसको मैं थोड़ी सी टेप से फिनिशिंग दे दूंगा। तो मैंने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे दी है। अभी रुको रुको रुको, अभी बहुत मेन काम तो बाकी है इस वीडियो का। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है जिससे कि मैंने पूरी मेहनत की हुई मेरी सफल हो जाएगी। एंड आपको इस तरह से कोई भी फॉर्म ले लेना है एंड इसके इसको काट के इस तरह से गोल बना लेना है एंड इसके अंदर छेद कर लेना है एंड इसके ऊपर कलर भी कर सकती हो। इसके बाद में जो आपका माइक है एंड इसके ऊपर आपको लगा देना है। हो सकता है आपके पास घर पे ये ना हो तो आप इसको ना लगाएं, इतना ज़्यादा कोई है नहीं इशू। ओबियसली इसको लगाने से कुछ कुछ काफ़ी हद तक इसकी जो है नॉइस तो वो थोड़ी सी गायब होती है, बट यदि आपके पास नहीं है तो आप ना लगाएं। एंड इसके बाद में आपका जो माइक है बिल्कुल तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद में थोड़ा जो आपको जो भी तरह से बैंड करना है आप उस तरह से इसको बैंड भी कर सकते हो। एंड ऐसी मैजिंग मैजिंग वीडियो देखने के लिए मार्टिन को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी।